अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम संडे बाजार के व्लॉग के बारे में। तो सबसे पहले आपने इस रेड डायरी तो शुरू में देख ही ली होगी, क्या इस डायरी में जो अपना मैं नोट वगैरह करता हूँ। तो खैर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जिस पे मेरा मोबाइल ये अटकाया हुआ है, तो मेरे पास ये स्टैंड नहीं था, तो मैंने जुगाड़ किया और अपने जो DSLR मैं यूज़ करता हूँ निकॉन का, उसकी ट्राइपॉड मैंने लिया और एक सेल्फी स्टिक जो मैंने आई थिंक 55 में दराज से मंगाई होगी, तो वो मैंने ली और आज दोनों को ज्वाइन किया। बात सिर्फ इतनी सी थी, ऊपर का माउंट बस मुझे ज़रूरत थी बट वो उस पर पिन नहीं मिल रहा था, तो मैंने यार चलो छोड़ो बस आज अभी मुझे कुछ भी करके वीडियो बनानी है, तो मैंने बस उसको तार और जो जो मेरे हाथ में रस्सी आई टेप आई मैंने उसको बांध के अटका दिया। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं खरीद दूँगा, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं अवेलेबल, तो मैंने कहा यार आज चलो जुगाड़ ही सही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉगिंग के टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है संडे बाज़ार का, तो कुछ क्लिप्स तो आपने देख ली होगी, तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले सवाल कि संडे मार्केट लोग क्यों जाते हैं, तो लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस वजह से जाता हूँ क्योंकि यार मुझे लगता है कि वहाँ पर एक मज़ा आता है और एक अच्छी आउटिंग हो जाती है, स्पेशली संडे को अगर मार्केट लगती है। वैसे तो नॉर्मल डेज पे भी आई थिंक लगती होगी कहीं ना कहीं, तो संडे में ये होता है कि इंसान फ्री होता है और किसी भी वक्त सुबह के वक्त स्टार्ट हो जाती है और रात को चलती है, तो मतलब किसी भी जो उसके लिए फीजेबल टाइम होता है वो उसमें चले जाए और उसको वगैरह देख लें। तो मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ ताकि मैं इंजॉयमेंट कर सकूँ, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत यूनिक होती हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महंगी चीज़ भी सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। तो बात करते हैं प्रो, इस बार भी जो मैं संडे मार्केट गया था तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं बैग के सिलसिले में गया था, क्योंकि मुझे बैग बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ एक बैग आपके पास अच्छा होना चाहिए जो कि अच्छा हो। मिलता नहीं है क्योंकि संडे मार्केट जो गुलशन स्पेशली गुलशन मुझे लगती है वो वहाँ के प्रधान भाई के जो रेट होते हैं वो इतने हाई होते हैं, वो एक रेट एक बैग जो मुझे जो पसंद आता है वो क्या करेगा मुनासिब क्या करो। अभी तो पीछे देख, हालत देख सामने, यार ये देखो आपके सामने, हमारा इस चीज का काम नहीं है, बैग वाला वाश करता देख, 1500 बहुत महंगा, क्या होगा मुनासिब बता, आप बता दो मुनासिब, देने वाले क्या होंगे आप बता दो, 300 ये किलो के हिसाब से 300 में तो दूर की बात है, 1000 से भी कपड़ों में कहाँ किलो का हिसाब होता है, पता है लाट आता है ना इसमें, कुछ पता नहीं क्या आता है। बात तो अच्छा है मेरे काम का है। हाँ ये कितना बोलूंगा फाइनल 1200 रुपये, नहीं नहीं ज़्यादा कह रहे हो यार, 1000 रुपये लास्ट हो गया अब, चलो कोई बात नहीं, ये लो यार भाई हमें बैग पसंद है, लास्ट एक रकम बोलने वाले, देखो अगर बात है तो बाबा एक लास्ट ये ले ले आप, मेरा भाई 1000 में भी मेरे इसमें नहीं बच रहे, सिर्फ एक आइटम हमारा नहीं है हम निकाल रहे, अगर हमारा आइटम होगा ना तो मैं आपको 2000 में भी नहीं दूंगी, बैग वाले के पास जरा जाओ फिर आपको अंदाजा होगा क्या ले लूंगा। बैग वाले से नहीं लेना ना, तुझसे लेना है, नहीं होगा आप आई हो मेरे वारा नहीं, वरना दे, चलो चलो कोई नहीं, शुक्रिया यार। और एक और यूनिक बात मैं आपको बताते हुए चलूँ, मैं हमेशा जब भी संडे मार्केट गया हूँ तो या किसी भी मार्केट गया हूँ, मैं अगर कभी माइंड बना के जाऊँ कि यार मुझे अगर ये चीज़ लेनी है तो मजा आने के वो चीज़ मिल जाए, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो मुझे चीज़ मिल के ही नहीं देती, तो ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाती है जो हमें चाहिए भी नहीं होती, ज़रूरत भी नहीं होती उस वक्त और हमें वो मिल जाती है। तो एक और बात अगर मैं करूं तो संडे मार्केट की ये खासियत होती है कि वहाँ पे आके पास जो आपको चाहिए होता है वो मिल जाता है, और अगर बड़ी संडे मार्केट लगती है तो मैं तो खैर एक ही संडे मार्केट गया हूँ गुलशन वाली, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, तो गुलशन वाली का ये एक अच्छा फ़ायदा है, हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक पोर्शन पे, ये वाले कितने का दोस्त, अगर जैसे जूतों का अलग पोर्शन, कपड़ों का अलग पोर्शन, और कोई बर्तन वगैरह या कोई भी स्टील की चीज़ें या एग्जाम्पल कोई भी घर की ग्रोसरीज वगैरह वो अलग पोर्शन, और जो कचरा आइटम होता है, कचरा आइटम मैं उसको कहूँगा जो कि चीज़ें नहीं पता होती। ये बैग कितने का, ये वाला 1500 रुपये का, शाबाश। और ये रैकेट 1500 का, ये 1400 का, ये 1460 रुपये का मेरे को खुद पड़ा है।
उनके फोन का ही पक्का है प्रॉपर। क्या होगा इसके मामा, मामा मुनासिब क्या होगा? अरे एक ये ले ले भाईजन, सही है यार, आउट वाला कहानी नहीं है। अंकल आपने ये बहुत महंगा महंगा है। चलो भाई यहाँ पे ग्लासेस वगैरह ले। कितने कितने का है? अलग अलग है, ये 400 रुपए के पेंच है सारे। सारे 400 के? और वो ये वाले 1500। 1500 के अच्छे वाले ओरिजिनल है, ये बीटू वाला शीशे एक नंबर। अबे ये मैं तुमको बिल्कुल सही बोला, तुम क्या कर रहे हो, कोई नहीं देगा ही ऐसे ही। इसका कितना हो जाएगा? कितना? 400 नहीं, 200 रुपए होंगे, हो जाएगा यार। ये फैमिली फ्रेम कितने की है याली मामा? हाँ फ्रेम कितने का ये? 2500 रुपए का। ये अच्छी चीज़ है कि जो आपको चाहिए होता है उसी की तरफ जाते हो, और आप वही अच्छा है कि एक ही तरफ एक ही जगह पे आपको जब मिल जाए चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो दो ही चीज़ जगह पर जाता हूँ। सबसे पहला जो मेरी जगह होती है वो एक कचरा पोशन पर होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें नहीं पता होता कि यूनिक चीज़ें भी हो जाती हैं। मोबाइल का कवर वगैरह निकल जाते हैं, और अब उनमें मैं यही चीज़ें देख रहा होता कि मोबाइल का कवर मिल जाए या ऐसी कोई ऐसी सीरीज़ मिल जाए जो कि बहुत अच्छी हो, सस्ती और यूज़ेबल हो। और सेकंड ये है कि मैं देखता हूँ बैग वगैरह, तो इस बात भी मैं बैग ही देख रहा था। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया है कि जब मैं संडे मार्केट से वापस आ रहा था तो मुझे एक बैग वाले भैया मिले, और मैंने भाई को बोला यार सस्ते में तुम बैग अच्छा दिखा दो। तो उन्होंने बोला अभी सस्ता तो कोई नहीं है, ये है 2000 रुपये का। मैंने बोला यार 2000 रुपये बहुत ज़्यादा है, आप मुनासिब बताएं। तो उन्होंने बोला 1500 रुपये, मैंने बोला 700 रुपये, उन्होंने बोला 1200 रुपये, मैंने बोला 900 रुपये। वो बैग मुझे देने वाले नहीं, तो उन्होंने बोला छोड़ दो भाई। मैंने बोला लास्ट 1000 रुपये, बोलता नहीं 1200 फाइनल। मैंने बोला 1000 रुपये पकड़ो भाई, अब मुझे बैग दे दो। तो खैर मैंने बैग ले लिया, चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने बैग लिया है वो ये है, प्योर आई थिंक लेदर है, और पूरा लेदर का बैग है जो कि मुझे बहुत पसंद है। बाकी टू बी ऑनेस्ट ये बैग मुझे बहुत पसंद है, और इसकी जो क्वालिटी थी वो भी ऑलमोस्ट 10/10 ही, क्योंकि कहीं से भी नहीं निकला है ना कहीं से कुछ ख़राब है, और जिप की क्वालिटी वगैरह बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो कि 10/10 हो या 10/9 भी हो तो चल जाती है। तो ये बैग मुझे मिला जो कि बहुत अच्छा था, और मैंने ये ले लिया, मुझे बैग पैक बहुत पसंद है। तो ये बस मैंने ले लिया और मुझे सस्ते ही मिला, तो 1000 रुपये में मैंने ले लिया। ऐसी बात नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिल जाती, अगर आप सही वैल्यू अगर लगा दो उनके हिसाब से तो वो चीज़ आप ले जाते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक ही था। अगर कुछ चीज़ अगर कोई बुरी लगी हो या कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माजरत। और आज भी नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया चैनल, तो अभी प्रैक्टिस पे ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गलती हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और अपने चैनल को आगे।